महिला बाल विकास कार्यालय पर लोगों का लगा जमावड़ा। बाढ़ से हुए नुकसान का अभी तक नहीं मिला मुआवजा, लोग आवेदन देने आए। महिला बाल विकास कार्यालय में पिछले माह हुई अति भारी बारिश के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए महिला बाल विकास पर भारी संख्या में भीड़ उमड़ी। वहीं पटवारियों का कहना है कि उनका सर्वे पूरा हो गया है, जबकि महिला बाल विकास पर उपस्थित जनता का कहना है कि उनके यहाँ ना कोई सर्वे हुआ है और ना ही उनको किसी प्रकार की कोई सहायता मिली है। सहायता की आस में बहुत सी पीड़ित महिला बाल विकास में उपस्थित हुई। देखिए क्या कुछ कहा पीड़ितों और महिला बाल विकास अधिकारी ने। कब वो पहली बार सी तो वर्षा लगी तो पटवारी आए थे सर्वे करने। हाँ वो आते तो वो तो ही कर ले गए, एक मोहल्ला कर ले गए। हाँ हमारे अभी तक ही घर छोड़ गए। कौन सा बार है आपका? 39 नीचे ले गए। वहाँ में सर्वे नहीं हुआ? वहाँ में आता हूँ, इतने इतने आ गए करके हो गया है, मतलब हमें मालूम नहीं पड़ा। आपका रामकली हो जाए? कहाँ से आए हो? मनियर कॉलोनी चराने के पास से। क्या करती हो? अरे लग जाता मजदूरी तो कर लेता, नहीं लगा तो बैठी है। बरसात में जरूर मैंने मरवाने का पेट भरा। आप यहाँ महिला बाल विकास ऑफिस आए हो, किस लिए आए हो? पानी के चक्कर में। क्या नुकसान हुआ है आपका? मेरा नुकसान बहुत होगा, मेरे बहू के कपड़ा मापड़ा और खिलौना मिलौना सब भीग गया। पानी तो खिलौने की दुकान लगा देते हैं। असल में एक्चुअली मैं शिकायत बाढ़ से संबंधित जो शिकायत है उसका नोडल अधिकारी कलेक्टर महोदय द्वारा मेरे को बनाया गया है, तो इसलिए यहाँ पर बाढ़ राहत से संबंधित जो आर्थिक मुआवजे के केस अब ये आ रहे हैं जो लोग डिमांड कर रहे हैं, तो चूंकि उस पर मुख्य प्राधिकरण जो अधिकारी जिसको सेंक्शन करना है वो तहसीलदार होता है, तो हम लोग जिस भी तहसील का प्रकरण होता है वो एग्जाई करके संबंधित तहसीलदार को दे रहे हैं और फिर उसको रिव्यू भी कर रहे हैं। और ये मैं देख रहा हूँ कि शिवपुरी शहर के अधिकांश प्रकरण, बहुत ज़्यादा प्रकरण यहाँ पे जो है उपलब्ध हो रहे हैं, तो अगर वो संबंधित उसमें जो है मुख्य नगर पालिका अधिकारी का कार्य है तो हम वहाँ पे भेज रहे हैं, और अगर मुआवजे से संबंधित है तो फिर हम संबंधित तहसीलदार को भेज रहे हैं।